कांग्रेस के पूर्व सांसद नरसिंह नारायण पांडे की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने बैंक रोड स्थित विंध्यवासिनी नगर में उनके आवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि पूर्व सांसद नरसिंह नारायण पांडे कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत कर सांसद बने थे और उन्होंने सांसद रहते हुए अपने कार्यकाल में गोरखपुर के विकास के लिए अनेकों अच्छे कार्य किए थे। उन्होंने कहा कि उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई है और सभी कांग्रेसियों ने उनके आदेशों पर चलने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर मनीष कुमार सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, आशुतोष तिवारी अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी को, आज हम लोगों के अभिभावक के रूप में हमेशा अपना संरक्षण देते रहे कांग्रेस के सिंबल से पूर्व सांसद जिन्होंने अपने कृतित्व से इस गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए सांसद पद का चुनाव जीता था और इस गोरखपुर जनपद का, इस गोरखपुर शहर का अभूतपूर्व विकास करने का कार्य किया था। आदरणीय नरसिंह नारायण पांडे जी, जिनकी आज तीसरी पुण्यतिथि है, आज हम सभी कांग्रेस जन उनके आवास पर उपस्थित होकर उनके प्रतिमा के सामने हम सभी उनको फूल चढ़ा करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिए हैं।